अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हैदर सैफी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आ चुकी हूँ आप कोचिंग से। और आप यहाँ देखिए मेरी क्यूटो कैसे सो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ओह नो, मेरी तो क्यूटो जग रही है। अभी तो सो रही थी और ये सो रही थी दोनों तकी के बीच में अपना मुँह रखकर। और नींद है अभी बहुत ज़्यादा, मेरे बोलने पर उठ तो गई लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नींद है। क्यूटो, ओए नायला, 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 आ खलो जान आ गई, खाला जान आ गई। स्माइल तो हमेशा रहेगी फेस पर। ओ उठ जाओ नायला, नायलू आंखें नहीं खुल रही हैं बेटी की। ओ बेटी की आंखें नहीं खुल रही हैं, बहुत नींद आ रही है। जा रे वाह। सो जा। हाँ सो गए। मिली है अभी अभी एक शॉकिंग न्यूज कि पिंकिया जी जा रही हैं। पिंकिया जी रहने के लिए आई थी एक महीने के लिए और अभी तो कितने दिन हुए हैं, 12 दिन ही हुए हैं और पिंकिया जी जा रही हैं। सो सैड। और मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग चले जाएंगे। सब कुछ इतनी जल्दी प्लान हो गया कि पिंकिया जी जा रही हो और नायला के भी कपड़े नहीं आए हैं, ना पिंकिया जी के कपड़े आए हैं, तो फिर अब हम जा रहे हैं मार्केट इतनी जल्दी। मतलब सब कुछ इतनी अचानक हो गया। अब हम जाएंगे शायद ही एक ही जगह जाएंगे, बस मॉल जाएंगे और फिर वहाँ से नायला के कपड़े लेंगे। और नायला मेरी तैयार हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ नायला तैयार हो गई है मार्केट जाने के लिए। नायला देखें, नायला टॉप दिखाओ अपना भाई, बहुत शानदार सा टॉप है आपका तो। नायला, और पिंकिया जी कर रही हैं अभी इस वक्त बात। चलो बहना चलो, चलो भाई चलते हैं आप फटाफट से मार्केट और करते हैं फटाफट से शॉपिंग। बस अभी निकलने में है थोड़ा सा टाइम और मुझे लग रही है बहुत तेजी से भूख। कोचिंग से आने के बाद मैंने अभी कुछ नहीं खाया है तो मैं खा लेती हूँ खिचड़ी और लाल चटनी और क्या कहते हैं ये वाली मिर्च। हाय मज़ा ही आ जाता है सच में खाने में। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, वैसे तो दोपहर का टाइम हो ही गया है। चलो फिर हम तैयार हो चुके हैं, हमारी नायला तैयार हो चुकी है। ओ नो, वाह रे वाह, लगा के दिखाना नायला, एक बार और दिखाते हैं। बहुत सुंदर लग रही है। बाय नायला। और ये चलो पिंकिया यार, तो फिर चलो चलते हैं अब। और नायला को हमारा प्लान था छोड़ने का लेकिन वो उड़ चुकी है सोकर, तो फिर जा रही है वो हमारे साथ। कहाँ है नायला? नायला और नायला की मम्मा गंजू। चलो और ये देखो इतनी सुंदर, आपने कहीं की गलियां देखी हैं क्या? हमारे यहाँ की बिहार की गलियां ऐसी हैं। और सच में यहाँ एक सीन हो गया, मैं आपको वो घर जाकर बताऊंगी। और वैसे जो बड़े कहते हैं अम्मी ने नायला को रोक लिया, अच्छा ही हुआ। और देख सकते हैं आप कसम से कितना बेकार है यहाँ का रोड, पर कोई बात नहीं देख लो। चुके हैं भी बाजार और कसम से इतनी गर्मी है कि हालत खराब है। चलो हाँ, यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिलेगा अपने लोगों के लिए। हमें जो चीज लेनी है सीधा वहीं चलते हैं। चलो हम आ चुके हैं और हमें आके फटाफट वही काम करना है
जिसके लिए हम आए थे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत घूमेंगे, अपने लिए देखेंगे। हमने यहाँ पर आकर फटाफट शॉपिंग की और अपने लिए कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि नैला घर पर थी इसलिए हमें जल्दी भी आना था। बारिश जैसा मौसम हो रहा था, हम यहाँ से निकले ही थे तभी बारिश होनी शुरू हो गई थी और फिर लास्ट में हम यहाँ आकर रुक गए। और अच्छा हुआ जो हम यहाँ आकर रुके, हमने अपनी स्कूटी यहाँ पार्क की, क्योंकि मैं फर्स्ट क्राई में कभी नहीं गई तो फिर चांस भी था, तो हमने बोला चलो पिंकी चलते हैं क्या है। लेकिन शॉपिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, पर कोई बात नहीं, घूमने में क्या जाता है, हमने देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो फिर हम अंदर गए और सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था ये, और कपड़े भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, आप देख सकते हैं। और ये है कि आप विशाल मॉल या फिर बी बाज़ार में 400-500 का जो भी सूट होते हैं बच्चों के, वो यहाँ पर डबल रेंज के थे। सच में ये काफ़ी महंगा है। और वैसे बाकी सब बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने नोटिस किया, वो ये कि हम भी बाज़ार या विशाल मॉल या फिनिक्स कहीं भी जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल फ्री होकर जो हमें देखना होता है, कपड़े हो या फिर कुछ कोई भी सामान हो, आराम से देखते हैं, खुद चूज़ करते हैं, पसंद आए ना आए वो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो भाई लोग हैं ना, सच में मतलब जहाँ हम जा रहे थे, मैम आप ये देखिए, मैम आप वो देख लीजिए, मैम ये अच्छा है, मतलब ये नहीं कि हमें थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दें, हमें जो पसंद आएगा हम वो ले लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। वैसे यहाँ कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, नो डाउट, आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। और बच्चे कपड़े काफ़ी अच्छे थे, और नैला के कपड़े आ चुके हैं, नैला अपने कपड़े देख रही है। और पता है नैला हमारे साथ नहीं गई, ये अच्छा हुआ अम्मी, पता है क्या हुआ बताओ, मैं गई बताओ, अरे बता दे रहे तो क्या दिक्कत है, YouTube माई फैमिली। आप सब पूछते हैं कि शाहिदा इतना मोटा क्यों होता, शानूबाजी के मोटे होने का राज बताऊं क्या है, बता दूं क्या, 1 2 3 टाडा, ये है इनके मोटे होने का राज, डेली खा रही है कुछ ना कुछ डेली खा रही है। और नायला देखो बेटी मेरी, नायले की माँ देखो सो के उठी है अभी, गुड मॉर्निंग, सुबह का 6 बज रहा है, अम्मी आ रही है, अम्मी को बोल दिया है खा तो मैं कुछ भी लूंगी, चलो आप भी एंजॉय करो, हम भी एंजॉय कर लेते हैं। ओके गाइस टाटा, नायला कुछ बोलना चाहोगी बेटा, बोल के दिखा दे, दे 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 दे, ओ नो ओ नो, ओ वाह तो है, ये देखो मैं अपनी पैंट सिल रही हूँ, पिंकिया जी ने फटाफट से इसकी कटिंग कर दी है और मुझे बता दिया है, और मैं सिल रही हूँ, पिंकिया जी की मशीन है ये। और यहाँ एक और मेरा सूट की कटिंग हो रही है, बहुत ही इमरजेंसी हो रही है, क्योंकि ये तो पिंकिया जी को ही कटिंग करनी थी, और ये आप देखेंगे कब, बार रबीउल अव्वल को, टाइम देखो हो गया है कितना, भाई आ गए होंगे ना पिंकिया जी ड्यूटी से अपने, हाँ भाई आने वाले हैं, बस बस बस, शाबाश मेरा बच्चा। मम्मी बना रही है खाना और मैं कर रही हूँ सिलाई, और आके बैठ गई है नैला मेरे पास जो कि मुझे नहीं चलने देगी, तुम करोगे सिलाई, नैला फोन गिर गया, पिंकी बाजी जा रही है तो फिर मैं करवा रही हूँ उनसे फटाफट से अपने सारे काम। वैसे तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, क्या क्या डांट रही है,
नहीं तुमसे थोड़ी करवा रहे हैं, इसकी तरफ देख के डांस करवा रहे हैं हम तो। और मैं कर रही हूँ वैसे थोड़ा काम, मैं भी कर रही हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। देखो भाई लोगो कुछ नया देख लो यार, आज ये क्या हो रहा है भाई, ये आज तो भाई ये आज तो सिलाइयाँ चल रही हैं। तो तुमको आता है ये, या फिर ऐसे ही पोज देने के लिए बैठ रखे हो? ये कहाँ चलाने वाली, ऐसा नवाजी तेरे को नॉर्मल मशीन चलानी आती है ना? देखो चीती हमारी छोटी सी चीती, अरे शानू भाई ऐसे तुमको देखकर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हाँ यार तू आराम करा कर, ऐसे लेटे रहा करो अच्छा ही लगता है, तभी तो वेट गेन होगा तुम्हारा। 100 किलो का टारगेट ऐसे कंप्लीट होगा यार। श्राप नहीं दिया मैंने तुमको, विश दिए हैं आप 100 किलो की हो जाओ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। अरे जाओ जाओ जाओ, अब्बू को पहचानती है बेटी? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर बाबू अपनी दुआएं दे रहे हैं भाई साहब को, और आज बाबू आज आपको बाबू बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे नजर आ रहे होंगे, है ना? यही तो आज देखो लग रहा है, नहीं लग रहा है बाबू? हाँ और यहाँ पर हम आ गए हैं खाना खाकर छत पर, और खाना लगाते समय भी मेरे साथ एक घटना घट गई। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाल बाल बच गई मैं, लेकिन बुरा लग रहा है। इतनी जल्दी ये लोग अब चले जाएंगे कि अच्छा भाई को अभी बिल्कुल जरा सा टाइम हुआ है आए हुए। नायला चली अपने घर। नायला यार आप इतनी जल्दी, आप इतनी जल्दी जा रहे हो यार? नायला रो मत यार प्लीज। आप रो मत ना प्लीज, हम जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। ओके बेटी क्यूटी। यार हबीबी यार आपने इतने जल्दी 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 कर दिया सीन पूरा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं भाई को आए हुए, और ये लोग चल दिए हैं। ये लो नायला का। हेलो बाय बाय। ओहो सब दे देना उसके हाथ में, कह रहा झाट ले। अच्छा तो कह रहा सर Bye. हाँ तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आया है पसंद तो कर लीजिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और बस हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।